ऐसा है, मैं एक एक कार्यकर्ता को बुला के पूछूंगा कि इस बार का हमारा जो मैनिफेस्टो बना है उसमें हमने क्या वादा किया और पिछले बार क्या क्या वादा किए थे और क्या क्या पूरा किया। 2013 में मुझे याद है कि जैसे सिद्धरामैया साहब ने शपथ ली, उन्होंने कहा था यल्ला साला मल्ला मार देने का, याद है? हम क्यों याद दिलाते हैं आपको, क्योंकि आपको ज्यादा कमजोर है, बराबर है। उसके बाद में खीर भाग्य आया, उसके बाद में अन्न भाग्य आया, जहाँ अभी मैनिफेस्टो में हर घर की जो कुड़ी है उसका नाम लिखा गया है, उसको मैंने 2000 रुपये देगा ताकि वो घर चलाने में उसको आसानी हो, और लाइट का दाम कम 1400 से 1600 रुपये, तो करीब 3500 रुपये जो महीने में बचता है, तो माँ हो या दादी हो या सास हो, अपने बच्चों को परिवार को लेकर के उनका शिक्षण है, किताबें हैं, कॉलेज का आगे चल के एडमिशन के टाइम में परेशान होते हैं लोग, स्कूल की फी भरने में परेशान होते हैं, कभी दवाई के लिए कभी बीमारी में परेशान होते हैं, तो ये पैसा आपकी बचत है और इसकी बचत आपको अलग से करना है बैंक, ये मेरी राय है कि आपको जब जरूरत हो तब उसका आपको इस्तेमाल हो। जो भी चीज आती है तो हम चावल अगर फ्री देते तो बहुत ज्यादा नहीं खाना है, अरे ये फ्री में आए चलो अरे 50 ग्राम ले जाएंगे 100 ग्राम ले जाएंगे, बचत करो, चावल का पैसा बचाओ, लाइट का पैसा बचाओ, और बच्चे तो स्कूल में दूध पिएंगे पिएंगे, दोपहर में इंशाल्लाह खाना खाएंगे ही खाएंगे, और अलग अलग उनके मज़हब के हिसाब से जो उनके लिए खाना है या जन्म खाना है उनके हिसाब से पकवान करके उनको मिलता जाएगा। ये सभी स्कीम बहुत बड़ी स्कीम है, मैंने जमीन वगैरह ले करके एक 10,000 मकान बनाने का प्लान बनाया, करीब 4,000 बना के लोगों के हवा में कर चुका हूँ, और वादा करता हूँ कि बाकी के 6,000 मकान राज्य के साथ बनाए। क्या हुआ था मेरी बात सुनिए, अभी आप लोग जो भी कहना कहिए, जिंदाबाद छोड़ के बोलिए, जिंदाबाद मत बोलिए, बाकी सब बोल सकते हैं, समझ में आया? और सबको नमस्कार करो, सबको गुड मॉर्निंग बोलो, जात पात पे आज भी नहीं इलेक्शन तक भी नहीं, जिंदगी भर में जैसा हमारे बड़ों ने शहर छोड़ के गया और हिंदुस्तान छोड़ के गया, वैसा वैसा लाने की जिम्मेदारी वापस हमारी भी है, हमारे लिए मराठा भी वही है, निगाह भी वही है, मुसलमान भी वही है, क्रिश्चियन भी वही है, दलित भी वही है, हम सब इंसान की तरह इंसानियत से रहना सीखेंगे और सिखाएंगे भी। मैंने सबसे ज्यादा इनके जैनों से ज्यादा मैंने काम किया है बस्तियों में, जय जिनेंद्र। अपने अपने एरिया में सीमित रह के अगर कुछ आपके एरिया में प्रॉब्लम है, कुछ रिपेयर करना है तो हमारे नज़र में लाइए, आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, हम आखिर जिसको मनाना है मनाने की कोशिश करेंगे, काम को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय भीम, जय भीम। हिंदुस्तान ये सब मिलके होता है, सब मिलके जुटके होता है, हर जाति हर भाषिक सबको साथ में लेके चलना हमारा फर्ज है, सिर्फ हमारा फर्ज ही नहीं
ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो फिरोजपुर ने 10 साल काम किया है, जो सिटी का आपने डेवलपमेंट देखा, कोई भी एरिया में जाओ, कामत गली में भी जाओ, दरबार गली में भी जाओ, हनुमान नगर में भी जाओ, मातिश नगर में भी जाओ, वीरभद्र नगर में भी जाओ, सोसाइटी में भी जाओ, कहाँ भी देखो उनका काम आपको दिखे आता है। इन्होंने 10 साल को किया हम सब मिल के मातेश नगर, रामटेक नगर, अजय नगर, सुभाष नगर भाई भी है, सब मिल के एलओसी को जा रहे हैं। तो लोग इतना ही बोल रहे थे हंगा और यहाँ के ऐसा पार्टी था वो हंगा भी उनको पार्टी में हमने तो वही उनको वचन दिया है कि हंगा और यहाँ के ऐसा पार्टी था वो अगर सिद्धार्थ मेरे लोग की हंगा उठते भी अच्छा मार दो। सबसे पहले और एक बार हमारे सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे साहब, सुजयवाला जी, सिद्धरामैया साहब, नीकेश कुमार साहब और यहाँ के हमारे मित्र सतीश अन्ना जाटोड़ी साहब, इनका सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दो साल पहले कहा है कि अब मैं इलेक्शन में नहीं बैठने वाला, मैं हार चुका हूँ, अब तो आगे बढ़, लोगों की सेवा खुद कर, मैं तेरे साथ में रहूंगा। उसके बाद में ही मैंने फॉर्म भरा, फॉर्म भरो बोला, उसके बाद में मैंने फॉर्म भरा, तो उनके बोलने के और उनके ऑर्डर की सेवा फॉर्म नहीं भरता। जो भी जनता की सुविधा के लिए है वो काम आता है, यहाँ डेवलपमेंट का सवाल है, हर वार्ड में, हर एरिया में अलग अलग जगह अलग अलग जरूरतें होती है, कहाँ पानी के बोर लगते हैं तो कहाँ गार्डन लगते हैं, कहाँ ड्रेनेज पर जैम रहती है, कहाँ गटर स्ट्रीम नहीं होती, कहाँ पे बिजली नहीं रहती, कहाँ लोगों को पानी नहीं मिलता, कहाँ रास्ते बराबर नहीं रहते। वो हर वार्ड में जाके हमारे कॉर्पोरेटर्स के साथ मिलेंगे, वो वार्ड का काम करेंगे। फिर आपकी जो राय है, आपकी जो इच्छा है, आप जनता की जो इच्छा होती है वो काम करेंगे। लंबे लड़ाकू साथ में, लड़ाकू सपोर्ट में,